नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट हीरालाल। दोस्तों, गंगा सागर एक हिंदू तीर्थ स्थल है। हर साल मकर संक्रांति, जो कि 14 जनवरी के दिन पड़ती है, हजारों हिंदू तीर्थ यात्री गंगा नदी और बंगाल की खाड़ी के संगम पर पवित्र डुबकी लगाने के लिए इकट्ठा होते हैं। और कपिल मुनि मंदिर में पूजा अर्चना भी करते हैं। गंगा सागर भारतीय राज्य पश्चिम बंगाल में दक्षिण 24 परगना जिले के काकद्वीप उपखंड में लगभग 13 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र का एक गांव है। लगभग 20,000 की स्थानीय आबादी होगी। वैसे काकद्वीप में पूरी आबादी ग्रामीण है। पूरा जिला गंगा डेल्टा में स्थित है। डेल्टा के दक्षिणी भाग में कई चैनल और द्वीप हैं, जैसे हेनरी द्वीप, सागर द्वीप, फ्रेडरिक द्वीप और फ्रेजर गंज द्वीप। उपखंड सुंदरबन बस्तियों का एक हिस्सा है। गंगा सागर और फ्रेजरगंज बक्काली बड़ी संख्या में पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। जनवरी माह के दौरान तापमान लगभग 8 डिग्री सेंटीग्रेड से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है। ज्यादा ठंड नहीं होती है। गंगा सागर के लिए कोलकाता से दक्षिण में काक द्वीप के पास हार्वुड पॉइंट तक, जो कि डायमंड हार्बर रोड NH-12 पर लगभग 90 किलोमीटर बस या कार आदि से जाना पड़ता है। हम लोग भी एक किराए की कार द्वारा हार्वुड पॉइंट तक पहुंचे। करीब 2 घंटे से ज्यादा का वक्त लगा था। मेरी एक प्रार्थना है के मेरे चैनल अनीजवाल को सब्सक्राइब करें अगर अब तक आपने नहीं किया है, और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो आगे बढ़ते हैं, आइए चले देखते हैं इस वीडियो को। यहाँ पंचायत समिति की पार्किंग भी है, और फिर उसके बाद गंगा सागर डेल्टा के लिए गंगा नदी लॉन्च सेवा उपलब्ध है। इसलिए फेरी पकड़कर गंगा सागर के उत्तरी छोर पर कचुबेरिया तट तक जाते हैं। कचुबेरिया पहुंचने के लिए फेरी गंगा नदी, जिसे स्थानीय रूप से हुगली नदी या मूरी गंगा नदी के रूप में भी जाना जाता है, से लगभग 3-4 किलोमीटर की यात्रा करनी पड़ती है। लगभग 10 लाख से भी अधिक तीर्थ यात्री 15 जनवरी तक गंगा सागर जाकर पवित्र स्नान करते हैं। ठाकुर प्रसाद सतीश चंद्र और कुलचंद्र जो गोंडा से आए हुए हैं, सावित्री इनकी सावित्री बैस आपका इंतजार 2 नंबर गिरी टावर के पास कर रही हैं। ठाकुर प्रसाद बैस, सतीश चंद्र और फूल चंदी विश्वकर्मा से आए हुए हैं आपका इंतजार सावित्री बैस 2 नंबर गिरी टावर। हम लोग भी कार पार्किंग में लगाकर बहुत ही नॉमिनल किराए पर फेरी पकड़कर कचुबेरिया तट तक पहुँचे। करीब 1 घंटा उसमें लगा। टिकट कौन सा देगी काटे? छोटी नावें भी हार्वर्ड पॉइंट से कचुबेरिया तक जाती हैं।
किद्रे के पास आपका इंतजार कर रहे हैं। गंगा सागर मेला और तीर्थ यात्रा प्रति वर्ष सागर द्वीप के दक्षिणी सिरे पर आयोजित की जाती है, जहां गंगा बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करती है। इस संगम को गंगा सागर कहा जाता है। संगम के पास कपिल मुनि मंदिर है। कुंभ मेले के त्रिवार्षिक अनुष्ठान स्नान के बाद गंगा सागर तीर्थ और मेला मानव जाति का दूसरा सबसे बड़ा समागम है। इससे पहले कि मैं आपको गंगा सागर तीर्थ के बारे में बताऊं, मैं आपको हिंदू ग्रंथों से एक वृतांत सुनाता हूं। एक महान मुनि कर्दम मुनि ने भगवान विष्णु के साथ एक समझौता किया कि वह वैवाहिक जीवन की कठिनाइयों से गुजरने को तैयार है, बशर्ते कि श्री विष्णु उनके पुत्र के रूप में अवतार लें। भगवान मान गए और नियत समय में विष्णु कपिल मुनि के अवतार के रूप में पैदा हुए और एक महान संत बन गए। कपिल मुनि का आश्रम गंगा सागर में स्थित था। एक दिन राजा सागर हिंदू पौराणिक कथाओं में सागर विदर्भ में सूर्य वंश के एक प्रमुख राजा थे। तो राजा सागर का बलि का घोड़ा गायब हो गया। इसे देवताओं के राजा इंद्र ने चुरा लिया था। राजा सागर ने इसे खोजने के लिए अपने 60,000 पुत्रों को भेजा और उन्होंने इसे कपिल मुनि के आश्रम के बगल में बंधा हुआ पाया, जहां इंद्र ने इसे छुपाया था। कपिल मुनि को चोर समझकर पुत्रों ने कपिल मुनि पर आरोप लगाया, जिन्होंने झूठे आरोप पर अपने क्रोध में पुत्रों को जलाकर राख कर दिया और उनकी आत्मा को नरक में भेज दिया। बाद में राजा सागर के पुत्रों के लिए दया करते हुए कपिल मुनि ने राजा सागर के वंशजों की प्रार्थनाओं को स्वीकार कर लिया, पुत्रों की बहाली के लिए सहमत हुए। यदि माता पार्वती देवी गंगा नदी के रूप में पृथ्वी पर अंतिम अनुष्ठान हिंदुओं में जो मरने के बाद करते हैं उसको करने के लिए उतरेंगी और वे पुत्रों की अस्थियों व राख को पवित्र गंगा जल के साथ तर्पण करें। घोर तपस्या के माध्यम से राजा भागीरथ ने भगवान शिव को गंगा को स्वर्ग से नीचे लाने के लिए प्रेरित किया और 60,000 पुत्र मोक्ष को प्राप्त हुए और स्वर्ग में चले गए, लेकिन गंगा नदी पृथ्वी पर ही रही। गंगा जी के अवतरण की तिथि वर्तमान में ग्रेगोरियन कैलेंडर के जनवरी माह के 15वें दिन यानी मकर संक्रांति के दिन के साथ मेल खाता है, यानी जब सूर्य मकर नक्षत्र में प्रवेश करता है, अर्थात हिंदू पंचांग के उत्तरायण में। इसलिए हिंदू लोग मोक्ष की कामना लिए गंगा सागर में स्नान के लिए जाते हैं। Thank you.
दोस्तों, आपने देखा फेरी में कितने लोग ठसा ठस भरे हुए थे। मुझे तो मन में भय भी था, लेकिन भगवान का नाम लेते रहे और हम सुरक्षित घाट तक पहुंच गए, थोड़ी राहत मिली। आखिरकार कचुबेरिया घाट पहुंच गए। अब गंगा सागर तक देखते हैं क्या सवारी मिलती है। गंगा सागर में सरकार द्वारा बहुत इंतजाम किए जाते हैं, कुछ पंचायत समितियां भी प्रबंध करती हैं। वहां एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी है जो किसी इमरजेंसी में काम आता है। पंचायत समिति नौका लैंडिंग के पास पार्किंग क्षेत्र का रखरखाव करती है। कचुबेरिया से भाड़े की कार और बसें गंगा सागर के तीर्थ स्थल तक लगभग 32 किलोमीटर का सफर तय करती है। तीर्थ पार्किंग क्षेत्र से कपिल मुनि मंदिर लगभग 200 मीटर और गंगा सागर संगम लगभग 700 मीटर की दूरी पर है। उसके बाद ऑटो पकड़कर गंगा सागर आइलैंड पार्किंग तक पहुंचे। 1.5 घंटा इसमें लगा। आइलैंड होने की वजह से पावर सप्लाई की यहाँ थोड़ी दिक्कत रहती होगी, इसीलिए जनरेटरों की आवाज़ आ रही है। तीर्थ यात्रा पार्किंग क्षेत्र में पहुँचने के बाद हम लोगों ने पास के एक विश्राम गृह में 2-3 बिस्तरों का प्रबंध कर लिया था। क्योंकि पहले दिन दोपहर हो चुकी थी, हम लोग लंच लेने के बाद शाम के वक्त घूमे फिरे और मेले का आनंद लिया। कुंभ मेले की तरह नागा साधु यहाँ भी आते हैं और लोगों को आशीर्वाद देते हैं, उनके लिए भगवान शिव से दुआएं करते हैं। कुछ गंगा सागर द्वीप के लोग और बहुत से बाहर से आने वाले लोग यहाँ आकर अलग अलग तरह के स्टॉल लगाते हैं। कोई खाने का छोटा मोटा स्टॉल खोलता है, कुछ लोग पूजा आदि करने के लिए सामान बेचते हैं, धार्मिक किताबें बेचते हैं, सर्दी के गर्म कपड़े बेचते हैं और बहुत तरह की चीजें यहाँ देखने को मिलती है। चलते चलते
मनोरंजन भी होता रहता है, तरह तरह के लोगों को खरीदते हुए देखते हुए और लोगों को अपना सामान मोल भाव करके बेचते हुए। जब ज्यादा कर रही तो स्टीमर जा रहा बनना शाम के वक्त कपिल मुनि मंदिर के दर्शन भी किए। शाम के समय मेले में घूमना बहुत ही मनमोहक और सुंदर लगता है। ना ज्यादा ठंड ना ज्यादा भीड़, आप आराम से घूम सकते हैं। सुबह पता नहीं स्नान के वक्त क्या माहौल होगा। और आकर जल्दी से सो गए, बहुत थक गए थे और फिर दूसरे दिन सुबह जल्दी भी उठना था स्नान के लिए। क्योंकि वहाँ रहने की व्यवस्था इतने सारे लोगों के लिए नहीं है तो लोग 10-20 रुपए का तिले का एक बना हुआ टेम्परेरी घर खरीद कर उसमें रात गुजारते हैं, थोड़ा ठंड से बचने के लिए। Thank you.
इतनी जबरदस्त भीड़। इतनी भीड़ में महिलाओं के लिए वस्त्र बदलना यानी स्नान के बाद एक बहुत ही मुश्किल वाली बात हो जाती है। हम लोगों ने महिला के चारों तरफ बाहर की तरफ मुंह करके खड़े हो गए और अपने हाथों में शॉल पकड़ लिया। यही तरीका संभव था जिससे कि महिलाएं बेझिझक अपने वस्त्र बदल सकें। हम सब ने स्नान किया, पूजा अर्चना की। से गंगा आती है और सागर में विलीन हो जाती है, जिसके कारण इनका नाम गंगा सागर पड़ा। कपिल मुनि का स्थान है और ये कपिल मुनि को दर्शन करने के लिए आते हैं। राजा भागीरथी ने गंगा को लाए थे और सर्वप्रथम गंगा यहीं लाए थे। यहाँ लाने के बाद उनका 60,000 पुत्रों का जो है उद्धार किए और यहाँ सागर में आकर के गंगा मिली। ये गंगा का महत्व है, ये मकर की महत्व है। गौदान, स्वर्ण दान, अन्नदान, ये सब सब करना चाहिए। इसलिए यह सागर में आकर के लोग स्नान बनाते हैं। साल में एक बार जो है यह स्नान होती है, कुंभ में केवल मकर की संक्रांति के पीरियड में स्नान होती है। तिल है, अन्न है, दान है, स्वर्ण दान है, वस्त्र दान है, गौ दान है, ये सब सब होती है। लेकिन 11,000 किलोमीटर की दूरी से गंगा आती है और सागर में विलीन हो जाती है, जिसके कारण इसका नाम गंगा सागर पड़ा। गंगा कहाँ से आई? 11,000 किलोमीटर के गौमुख से, गौमुख से, हरिद्वार से। रास्ता कौन सा आने का? रास्ता हमको मालूम नहीं है। और कपिल मुनि मंदिर में भी गए, पूजा की। भीड़ के कारण मंदिर में प्रवेश बहुत मुश्किल था। कुछ लोग तो दूर से ही पूजा का सामान मंदिर की ओर फेंक रहे थे। Thank you.
भाई, चलो भाई। कौन देखल जाए वही साइड देखे वही साइड देखे चल न दोपहर होने से पहले हम लोग वहां से निकल चुके थे और बस द्वारा कछुबेरिया तट पहुंचे फेरी पकड़ने के लिए। Thank you.
तो दोस्तों, ऐसी थी हमारी गंगा सागर की यात्रा।